स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, ईएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज आपके साथ चल रही है, जहां पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। 5000 क्वेश्चंस का टारगेट लिया गया है। उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, और टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज द ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, यानी डायोरेटिक और एंटी डायोरेटिक एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और इस सीरीज में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक कौन से होते हैं? वो होते हैं जो पोटेशियम को स्पेयर करते हैं बॉडी में, एक्सक्रीशन से उसको घटाते हैं और बॉडी में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और ये हमारे दो क्लासेस में आती है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत। पोटेशियम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में हमारे स्पायरोलैक्टोन एंड इप्रिनोन आती है, और रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर में एमिलोराइड एंड ट्रायामिट्रिन आती है। कोई आंसर दिख रहा है क्या आपको? इप्रिनोन दिख रहा है क्या? हाँ जी, दैट इज द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इथाक्राइनिक एसिड हमारी क्या होती है? दैट इज द हाई सीलिंग डायुरेटिक, एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, और लास्टली हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, थायाजाइड क्लास की ड्रग आती है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक हमने बोला एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड डायरेक्टली एक्टिंग रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास की ड्रग, ये पोटेशियम स्पेयरिंग है। अब आया मेटाबोलाइट ऑफ स्पायरोलैक्टोन। स्पायरोलैक्टोन एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, दैट इज नोन एज द कैनरिनोन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। कैनरिनोन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होता है, लेकिन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है, और ये क्वेश्चन जरूर ध्यान देके चलिएगा कि हाँ इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। स्पायरोलैक्टोन कंपिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एल्डोस्टेरोन का कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, करेक्ट। लूप डायरेटिक एक्ट एज, लूप डायरेटिक कहां काम करेंगे? असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इल्ले पे काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। सो इनहिबिटर ऑफ द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर सही है। सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट या थायाजाइड काम करेंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट अलग होती है, रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर अलग होती है। तो लूप डायरेटिक फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सेमाइड, बिमेटिमाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स कंपाउंड, हाँ वो मेरे लूप डायरेटिक्स में आते हैं। तीन क्लासेस यहां पर, तीन क्लास की हमारी ड्रग यहां पे आती हैं। Which of the following act by inhibition of the carbonic anhydrase? Carbonic anhydrase inhibitor तीन, एसिटाजोलामाइड, डॉर्जोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। कोई आंसर दिख रहा है क्या? एसिटाजोलामाइड आपको यहां पे आंसर आ जाएगा क्या? हां जी, स्पायरोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इंडेपामाइड थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव, क्लोरथैलिडोन थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव होता। तो एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डॉर्जोलामाइड, लेकिन डॉर्जोलामाइड ब्रिंजोलामाइड टॉपिकली एक्टिव कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं, जो हमारे ग्लाउकोमा में यूज होते हैं, और एसिटाजोलामाइड हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जो ओरली दी जाती है और डायुरेटिक के रूप में काम करती है। ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन टेक प्लेस। जब नेफ्रॉन की बात करते हैं ना, तो उसके अलग अलग जो पार्ट आते हैं ना, तो उसमें तीन फंक्शन होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। और सबसे ज्यादा सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड और ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अराउंड 65-70% हमारा यहीं से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इल्ले से बात करोगे हमारा 20-25%, डीसीटी से 8-10%, और हमारा कलेक्टिंग डक्ट से 2-3% का रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैनिटॉल इज, मैनिटॉल क्या है भाई? ऑस्मोटिक डायुरेटिक। ईएसआईसी 2016 का क्वेश्चन है, मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायुरेटिक डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इल्ले पे काम करता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरेब्रल एडिमा के लिए। कहां दिखा? ऑस्मोटिक डायुरेटिक दिखा ना, लगाइए ना, किसका इंतजार है? आप बोलोगे यहां पे ऑस्मोटिक डायुरेटिक मैनिटॉल, आइसोसॉर्बिट एंड ग्लिसरॉल, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ऑस्मोटिक डायुरेटिक होते हैं। The medicinal agent used for the increase in urine output are known as, वो medicinal agent जो urine के output को बढ़ाते हैं कहलाते हैं diuretic कहलाते हैं, और जो agent urine के output को घटाते हैं वो anti-diuretic कहलाते हैं, और anti-diuretic में hormone भी हमने पढ़ा होगा ना, ADH यानी vasopressin, हाँ जी, वो urine घटाते हैं। जबकि आप बात करोगे एल्डोस्टेरोन, अगर हम बात करें कि हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, लूप डायुरेटिक, ये सब यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं।
ये हमारे बॉडी से सोडियम आयन का लॉस कराते हैं, वाटर का लॉस कराते हैं। अगर सिर्फ सोडियम आयन लॉस करा रहा है तो नाइट्रोयूरेटिक कहलाएगा, सिर्फ वाटर का लॉस कराता है तो एक्वायूरेटिक कहलाएगा, दोनों का लॉस कराता है तो डाययूरेटिक कहलाता है। करेक्ट। Which of the following is an anti-diuretic hormone? अभी तो बोला ADH यानी vasopressin, यानी हमारा रिलीज होता है कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, लेकिन ये हमारा anti-diuretic नहीं होता। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, FSH और LH दोनों, लेकिन वैसोप्रेशन, हाँ वैसोप्रेशन मेरा ADH होता है। एम्स फार्मासिस्ट 2016 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। वैसोप्रेशन को ही ADH बोला जाता है और इसके हमारे डिफरेंट सिंथेटिक डेरिवेटिव भी आते हैं, जैसे आप बात करोगे वैसोप्रेशन का डेस्मोप्रेशन, टेरलीप्रेशन, लाइप्रेशन, वो डेरिवेटिव में आते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जल्दी से बताओ, स्पाइरोलैक्टोन या लिप्रिनोन, तुरंत आंसर आएगा बिना टाइम लिए। हाँ जी, एनसीए फार्मासिस्ट का क्वेश्चन था 2015 में और कुछ नहीं था, क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाने वाला था, आपको फ्री के नंबर मिल रहे थे। साइट ऑफ एक्शन ऑफ ADH, ADH कहां काम करता है? कलेक्टिंग डक्ट में काम करता है, इसका बाकी पार्ट से नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट से रोल होता है। सो कलेक्टिंग डक्ट में मेनली हमारा ADH यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन काम करता है। बाकी अगर आप बात करोगे जैसे एल्डोस्टेरोन कहां काम करता है, तो वो लेट डीसीटी और थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, लेकिन ADH सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा और रीअब्सॉर्प्शन कराता है। फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स की थियरी बुक एंड ऑब्जेक्टिव बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसमें आपको हार्ड माइंड कलर फॉर्म में सारी चीजें कंप्लीट मिलेंगी और यहां पे आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आर्जिनिन वैसोप्रेशन इज प्रिफर्ड ओवर डेस्मोप्रेशन इन द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, जरा समझिएगा, वैसोप्रेशन तो है लेकिन वैसोप्रेशन का ही हमारा एक सिंथेटिक डेरिवेटिव आता है, दैट इज द आर्जिनिन वैसोप्रेशन। किसमें यूज करते हैं, किसमें प्रिफर यूज करते हैं? डायबिटीज, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, ब्लीडिंग इसोफेगियल वेसिस, हां जी इसमें हमारा ये यूज किया जाता है। वैसोप्रेशन तो वैसे हमारा डायबिटीज इंसिपिडस में यूज होता है, और डायबिटीज इंसिपिडस होता ही इसलिए है क्योंकि हमारा ADH की डिफिशियंसी हो जाती है, लेकिन ब्लीडिंग इसोफेगियल वेसिस में हमारा यूज करेंगे रिड्यूस द ब्लड फ्लो को घटाने के लिए। मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनलेज, हेनलेज लूप है ना, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इनका काम क्या होता है? उतना टाइम और जगह मिलना ताकि ये यूरिन को कंजर्व कर सके। करेक्ट है, पासिंग तो अलग चीज है लेकिन कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है। पासेज ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ द यूरिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टारगेट होता है। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ हमारा यूरिन रीअब्सॉर्ब भी हो जाता है, कुछ हमारे सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जैसे डिसेंडिंग से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, असेंडिंग से सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होता है, और यही कंजर्वेशन ऑफ द यूरिन इज द मेन फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमारा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ए आंसर आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, पहला आंसर हमारा आ जाएगा, पहले फिल्ट्रेशन, देन रीअब्सॉर्प्शन, देन सिक्रीशन, और इसीलिए नेट फिल्ट्रेशन यानी GFR क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन हमारा GFR बनाता है। ओके, व्हाट फैक्टर मेंटेन द नॉर्मल ब्लड pH? ब्लड pH कौन मेंटेन करता है? एक तो दो चीजें इसको मेंटेन करने की सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बाइकार्बोनेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन होगा या बाइकार्बोनेट आयन का एक्सक्रीशन होगा तो पीएच अल्टर हो जाएगा। अब देखना, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हां फर्क डालेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ कैल्सियम आयन से कोई रिलेशन नहीं, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, सोडियम आयन बिल्कुल भी नहीं। अगर यहां बाइकार्बोनेट आयन होता तो वो भी सही हो सकता था, लेकिन वो है नहीं, तो मैंने बोला दो चीजें आपको याद रखना है, क्या बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन, ये दो चीजें अगर सिक्रीट आउट हो रही है तो ब्लड का पीएच अल्टर होगा। इसीलिए सुनना जरा, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं वो ब्लड एसिडोसिस कॉज करते हैं, वाइल जब आप बात करते हो थायाजाइड और हाई सीलिंग डायुरेटिक का तो वो ब्लड एल्कलोसिस कॉज करते हैं। तो ये दोनों वर्ड जरा याद कर लीजिएगा। Which of the following is not a high ceiling diuretic? Chlorthalidone नहीं है, bimetamide है, ethacrynic acid है, torsemide है। Chlorthalidone क्या होता है? हमारा
थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव होता है, तो ये हाई सीलिंग डायरेटिक नहीं है, थायाजाइड डेरिवेटिव है। दैट मींस हमारा ये सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट को इनहिबिट करेगा, अर्ली डीसीटी पे काम करेगा। बाकी आप बात देख सकते हो बिमेटोमाइड, इथाक्रैनिक एसिड एंड टॉर्सेमाइड की बात। ड्रग अफेक्टिंग पॉजिटिव फ्री वॉटर क्लियरेंस विदाउट अफेक्टिंग निगेटिव फ्री वॉटर क्लियरेंस। थोड़ा डीप का क्वेश्चन है लेकिन सुन लेना, हमारा कौन सी ड्रग होती है जो पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस को अफेक्ट करती है लेकिन निगेटिव वाटर फ्री क्लियरेंस को अफेक्ट नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड एज द थायाजाइड डायरेटिक। क्यों? थायाजाइड डायरेटिक सबसे लेट यानी हमारी अर्ली डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे काम करती है, जस्ट बिफोर द सीडी, और वहां पे जब वो काम करती है ना तो वो क्या करती है, हमारे पॉजिटिव वाटर क्लियरेंस को बढ़ाती है और निगेटिव वाटर क्लियरेंस पे कोई रोल नहीं होता। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, मैनिटॉल, ऑस्मोटिक डायरेटिक और हमारे खासतौर पर जब हम लूप डायरेटिक की बात करते हैं तो वो निगेटिव वाटर क्लियरेंस को भी अफेक्ट करते हैं। अभी उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल आप इसको याद कर सकते हो। इथाक्राइनिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यू टू, इथाक्राइनिक एसिड क्यों नहीं यूज किया जाता है आज की डेट, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इसमें ओटोटॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा होती है और ओटोटॉक्सिसिटी ज्यादा होने की वजह से इसको यूज लिमिटेड कर दिया गया है। और यह भी बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा गया है, व्हाई अमीनोग्लाइकोसाइड एंड फ्यूरोसिमाइड यानी हाई सीलिंग डायरेटिक आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि दोनों ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा, ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसलिए अवॉइड किया जाता है। थायाजाइड कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट अमंग्स द फॉलोइंग, अभी हमने बात किया था थायाजाइड और हाई सीलिंग डायरेटिक मेटाबोलिक एल्कलोसिस कॉज करते हैं, जबकि हमारा जो यहां पर देखो मेटाबोलिक एल्कलोसिस, मेटाबोलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, नहीं मेटाबोलिक होगा क्योंकि आयनिक बैलेंस को चेंज कर रहे हैं, और यहां पे क्या होगा हमारा मेटाबोलिक एल्कलोसिस। लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की बात करोगे जो बाइकार्बोनेट आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, वो मेटाबोलिक एसिडोसिस ब्लड में कॉज करता है। दोनों लिखिएगा, मेटाबोलिक एल्कलोसिस और मेटाबोलिक एसिडोसिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। All of the following drug act on the DCT except distal convoluted tubule पे कौन सी काम करती है? Thiazide, thiazide like and potassium sparing diuretic. उसके अलावा जरा कोई है क्या? Thiazide, chlorhydrochlorothiazide, chlorothalidone, indapamide. हाँ, लेकिन organomercurials नहीं, ये हमारे हाई सीलिंग डायरेटिक के आते हैं, मर्सरिल वगैरह हमारे, और आज की डेट में वैसे ये पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी ज्यादा है, वोमिटिंग ज्यादा कॉज कराते हैं। लेकिन अगर यूज की बात किया जाएगा तो ये हाई सीलिंग डायरेटिक असेंडिंग लिम्बॉप लुपोफिलले पे काम करेंगे, ये हमारे डीसीटी पे तो काम नहीं करेंगे, इसलिए इनके लोकेशन वाइज जरूर एक बार देखिएगा, दैट इज डायरेटिक रीअब्जॉर्प्शन सोडियम इन असेंडिंग लिम्बॉप लुपोफिलले पे काम करेंगे। मैनिटॉल इज नॉट यूजफुल फॉर, मैनिटॉल कहां यूज नहीं करेंगे? ग्लाउकोमा में यूज हो सकता है, रेज्ड आईसीटी इंट्राक्रैनियल टेंशन में यूज होता है, इंपेंडिंग रेनल फेल्योर, लेकिन पल्मोनरी एडिमा ना 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 ना, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, सेरेब्रल एडिमा में, ग्लाउकोमा में, इंट्राक्रैनियल टेंशन प्रेशर में, रेनल फेल्योर में यूज करें, लेकिन पल्मोनरी एडिमा अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम है बिल्कुल भी इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है पल्मोनरी एडिमा में, क्योंकि वो हमारा लंग्स में ही स्वेलिंग बढ़ा देता है, और अगर लंग्स में ही वाटर का एक्युमुलेशन बढ़ेगा तो चांसेस है एयर सैक फिल हो जाएगा वाटर से और रेस्पिरेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्लिसरॉल इज एन, हाँ ये भी ऑस्मोटिक डायरेटिक है, ग्लिसरॉल, आइसोसॉर्बेट और मैनिटॉल, ये सभी क्या है हमारे ऑस्मोटिक डायरेटिक ही तो है। ग्लिसरॉल ओरली एक्टिव ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है, हिमोलिसिस कॉज कराता है, इसलिए नहीं दिया जाता है, मैनिटॉल ही यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, एमिलोराइड है, स्पायरनोलैक्टोन है, इंडेपामाइड नहीं है, एप्रिनोन है, सो इंडेपामाइड दैट इज द थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव अर्ली डीसीटी पे काम करेगी, सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट को इनहिबिट करेगी और हाइपोकैलेमिया कॉज करेगी क्योंकि पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराती है, जबकि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक पोटेशियम को स्पेयर करते हैं, बचाते हैं। मोस्ट प्रिफर्ड एंटी डायरेटिक ड्रग टू ट्रीट हीमोफीलिया एंड वॉन विलब्रांड्स डिजीज, मोस्ट प्रिफर्ड एंटी डायरेटिक ड्रग, पहली बात तो एंटी डायरेटिक ड्रग है तो वैसोप्रेशन एंड डेस्मोप्रेशन,
अब बोला गया कि हीमोफीलिया और वॉन विलेब्रांड्स डिजीज के लिए यूज करी जाएगी डेस्मोप्रेशन। हाँ जी, सिंथेटिक डेरिवेटिव है, थोड़ा ज्यादा पोटेंट है, इसलिए डेस्मोप्रेशन यूज की जाती है, प्रिफर्ड ड्रग होती है हीमोफीलिया के लिए। और वॉन विलबर्ट डिजीज, जहां पे क्या होता है, लो लेवल ऑफ द क्लॉटिंग प्रोटीन, जहां ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कम हो जाते हैं, वहां पे इसको दिया जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट? 120 ml/min, 180 L इन अ डे, 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, 1.5 टू 2 लीटर का यूरिन एक्सक्रीशन इन अ डे। तो यहां पे 120 ml/min, आर पे तो मत चले जाइएगा गलती से थोड़ा सा, इसलिए नजरें जरूर तेज रखिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। हमने क्या बोला, 120 ml/min नॉर्मल का होता है। अगर किडनी फेल्योर है तो 60 ml, अगर मतलब किडनी डिजीज है और अगर फेल हो चुकी है तो बहुत कम एक्सक्रीशन हो जाता है, और इसी से पता चल जाता है, यूरिन आउटपुट से पता चल जाता है कि यार किडनी में प्रॉब्लम है। मेजर ऑफ इनुलिन रेनल क्लियरेंस, इनुलिन रेनल क्लियरेंस मेजरमेंट किस चीज के लिए होता है? GFR चेक करने के लिए। और एक हमने और पढ़ा होगा, क्या हिपेक्यूरिक एसिड की बात किया होगा, हिपेक्यूरिक एसिड चेक किया जाता है फॉर द ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए। तो यहां पे हमारा क्या होगा, रेनल ब्लड फ्लो एक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हाँ जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर करने के लिए रेनल क्लियरेंस किसका, इनुलिन का, जो क्या होता है पॉलीमर का, फक्टोज ऑफ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है इनुलिन, और वो यूज किया जाता है जीएफआर को चेक करने के लिए। हाँ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस का भी यूज किया जाता है जीएफआर को चेक करने के लिए। तो इन दोनों चीजों को जरूर एक बार याद रखिएगा। वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट एक्ट्स ऑन, वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट, ये वैसोप्रेशन डेरिवेटिव नहीं, कहां काम करेंगे, ऑब्वियसली कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेंगे। लेकिन अब यहां पे दो ऑप्शन हो गए, कलेक्टिंग डक्ट में कॉर्टिकल और मेडलरी, डीसीटी पीसीटी तो नहीं है, कॉर्टिकल या मेडुलरी, ये सेंटर पे इनसाइड से काम करते हैं, तो मेडुलरी कॉर्टिक कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं, कॉर्टिकल बाहर वाले पे नहीं, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में ये हमारे काम करते हैं। दैट इज द, दिस इज द एजेंट। विच आयन इज रीअब्सॉर्ब्ड इन एक्सचेंज फॉर सोडियम, विच आयन इज रीअब्सॉर्ब्ड इन एक्सचेंज फॉर सोडियम, कौन सा आयन यहां रीअब्सॉर्ब होता है सोडियम के एक्सचेंज में जब रीअब्सॉर्प्शन की बात होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमारा प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रेजेंट होता है, जहां सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन होगा वहां वॉट पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो जाता है। Selective V2 receptor agonist useful for the treatment of central diabetes insipidus is, central diabetes insipidus, कुछ मत करिए, desmopressin पे आ जाइएगा। हाँ जी, diabetes insipidus के लिए vasopressin तो use होती है, लेकिन अगर central diabetes insipidus हो रही है, मतलब पता चला ADH का secretion ही नहीं हो रहा है, तब वहां पे हम desmopressin दिया जाएगा, जो हमारा AVP analog होता है, vasopressin arginine analog होता है, और use किया जाता है। Choose the correct statement about osmotic diuretic. They are large molecule weight substance which form colloidal solution. Their primary site of action is the collecting duct in the kidney. They increase water excretion without increasing salt excretion. They can lower intraocular pressure. हाँ जी, करेक्ट पूछा गया था, बिल्कुल सही है। ये इंट्राऑक्युलर प्रेशर यानी हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं, और इसमें हमारा यूज होता है कहां, डिसेंडिंग लिम्बोप्लूप ऑफ विल्ले पे ऑस्मोटिक डायरेटिक मैनिटॉल आइसोसॉर्बिड एंड ग्लिसरॉल यूज किए जाते हैं, और ये हमारे इनका केवल और केवल वाटर के क्लियरेंस से मतलब होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट ऑन डीसीटी एक्सेप्ट, लोकेशन वाइज है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। डीसीटी पे सभी काम करती है, कौन सी नहीं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड अर्ली डीसीटी, क्लोरथैलिडोन अर्ली डीसीटी, इंडेपामाइड डीसीटी, ऑर्गेनोमर्क्यूलियस नहीं, ये क्वेश्चन अभी हमने कराया भी था, तो आई होप आपको ये आंसर आया भी होगा। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, डायुरेटिक एंड एंटी डायुरेटिक। सो आज के पार्ट में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।